हे लोगोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक इन माय छोटू मोटू सा व्लॉग छोटी मोटी सी दुनिया में। तो आज का व्लॉग मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो गया था। आपको पता है आजकल मैं मॉर्निंग में उठने लगी हूँ जल्दी टाइम से, क्योंकि मैं ना मॉर्निंग पर्सन हुई नहीं। आप मुझे रात को कितना काम करवा लो बट मैं मॉर्निंग में उठ नहीं पाती थी। बट लास्ट वीक से मैंने ट्राई किया है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊँ और थोड़ा बहुत वॉक वगैरह करने लग जाऊँ। तो यहाँ पर मैं वॉक ही कर रही थी और हमारे ना बैक साइड में, घर के बैक साइड में बहुत अच्छा स्पेस है वॉक करने के लिए। इतने सारे ट्रीज है, इतना मजा आता है ना मॉर्निंग में। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हवा चल रही होती है और बच्चों के साथ प्ले करो, बच्चे भी बहुत प्यार से प्ले करते हैं। उनको भी बहुत अच्छा लगने लग गया कि दीदी सुबह उठ जाती है तो उनके हमारे को प्ले करने के लिए मिलेगा। अदरवाइज जब मैं लेट उठती थी तो वो लोग अपना वॉक वगैरह करके आते थे और सो जाते थे। मैं सो रही होती थी, मेरे साथ ही सो जाते थे। बट अभी ये होता है कि वो लोग भी मेरे साथ प्ले करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा खुश है और मुझे भी बहुत रिफ्रेश फील होता है मॉर्निंग में टाइम से उठ करके। अदरवाइज मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ नहीं, मैं इतनी जल्दी उठ नहीं पाती थी। बट ठीक है, अभी मैं उठने लगी हूँ, अभी रूटीन सेट हो गया है। तो मैंने घर में जाकर अब वहाँ पे प्ले वगैरह किया मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में थोड़ा बहुत काम जो मम्मी के साथ होता है, आपको पता है बच्चों का खाना पीना करना होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह अपना किया, कान्हा जी को खाना पीने खिलाया, पूजा करी। और ये टाइम हो जाता है 11:30-12 बज जाते हैं ये सारे काम करते करते। उसके बाद मैं आती हूँ अपने वाले फ्लोर पर, मतलब जहाँ मेरे रूम है। मेरा रूम ऊपर वाले फ्लोर पर, जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूँ, हमारे घर में 2 फ्लोर हैं। नीचे वाले फ्लोर पर सारे लोग रहते हैं, सबका रूम नीचे वाले फ्लोर पे। बट मुझे काम करना होता है और काम करने के लिए ना मुझे थोड़ा सा ऐसे प्राइवेसी चाहिए होती है, जिसके लिए मैंने अपने सेकंड फ्लोर पे जो सबसे बड़ा रूम है मैंने वो वाला लिया हुआ, ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। और नीचे रहो ना तो बच्चे भी होते हैं, कभी कोई गेस्ट आ गया तो वहाँ ना नॉइज़ बहुत होती है। मम्मी कभी टीवी देख रहे हैं तो बहुत ऐसा ना नॉइज़ बहुत आ रहा होता है। मुझे वीडियोज़ में वॉइस ओवर करना है या वीडियो शूट करनी है या कोई ऐसे आर्ट वाली चीज़ बनानी है ना, जिसके लिए मुझे ना ऐसे थोड़ा सा फ्री स्पेस चाहिए होता है। और नॉइज़ ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, कभी वीडियोज़ में नॉइज़ आ रही हो। आजकल तो खैर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस ओवर ऊपर आके कर लेती हूँ। बट पहले मैं ना वीडियोस वैसे बनाती थी बोल करके और ना सारी जैसे ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें वीडियो में बता करके। तो एक दो मेरे व्यूअर थे, उन्होंने बोला कि आपकी वॉइस क्वालिटी ना हमें अच्छी नहीं लगती है, आप जो बोलते हो वो तो सुनाई देता नहीं है, जो पीछे से लोग बोल रहे हो तो वो सारी चीज़ें सुनाई देती हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को सारी चीज़ें शूट करूँ, सारी चीज़ें और सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ। तो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। तो मैं बस वही रेडी वेडी हो गए, जल्दी से डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल गई थी। अभी मैं अपनी पार्किंग में जा रही थी, पार्किंग में स्कूटी लूंगी और स्कूटी लेकर के फिर डॉक्टर के पास जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर यहाँ से थोड़ा सा दूर है मेरे घर से। स्कूटी से मुझे 10-15 मिनट लगे थे जाने के लिए। तो बस वही यहाँ मैं रेडी हो गई थी और डॉक्टर के पास पहुँची, वहाँ पे उन्होंने स्लिप बनाई। स्लिप बनाने के बाद उन्होंने मेरा बीपी चेक किया और जो पल्स रेट होती है वो चेक की और वेट चेक किया। और यहाँ पे मेरे को वेट करना था 10-15 मिनट मुझे वेट करना था, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट जो था वो था 12:30-1 का था और मैं टाइम से पहुँच गई थी। बट वो थोड़ा सा वेट करना पड़ा, डॉक्टर कहीं पर बिजी थे। तो फिर डॉक्टर से मीटिंग हुई, उन्होंने जो जो चीज़ें बताई, उन्होंने बताया तो कुछ नहीं है, उन्होंने अभी सिर्फ टेस्ट लिखे हैं, कुछ मेडिसिन दी है पेन किलर के लिए और बोला टेस्ट करा लो, उसके बाद आप हमसे मिलना आके और हम टेस्ट की रिपोर्ट के बाद ही बता पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। और घर आते हुए मैंने ना मैंगो शेक पिया, और मैं ना कभी ऐसे कोई मैंगो शेक या कोई भी फ्रूट या कोई भी शेक पीना ना मेरे को पसंद नहीं है, मुझे स्पाइसी चीज़ें खाना बहुत पसंद है। तो मैं ना इस वाली गर्मी में मुझे मैंगो शेक इतना ज़्यादा पसंद आने लग गया ना, जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो मैं मैंगो शेक एक्स्ट्रा आइसक्रीम के साथ में पी करके आती हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है ना। मैंने भी पिया और मम्मा के लिए भी लिया, क्योंकि मम्मा को भी थोड़ा सा इस वाली गर्मियों में ना पसंद आने लग गया। तो फिर मैंने एक दिन मैंगो शेक ट्राई किया, वो मुझे यम्मी लगा, तो अब मैं मैंगो शेक पीने लगी हूँ। घर आने के बाद कान्हा जी के लिए खाना बनाया, आज बेसन के चिले बनाए थे, बच्चों को खाना दिया मम्मी के साथ मिल करके, और ये इवनिंग का टाइम था। आप ये मत सोचना कि हम इस तरीके से बच्चों को खाना मिक्स करके देते हैं, हुआ क्या आज इतना बड़ी गलती हो गई ना मेरे से कि हमारे घर में ना 4 बर्नर का जो गैस होता है वो है, और हमारे घर में दूध आता है, भैंस का दूध आता है, आपको पता ही है कि हम डेयरी से दूध लेके आते हैं, 3 kg दूध आता है। तो वो 2 बर्तन में गर्म करना पड़ता है, एक में 2 किलो गर्म होता है, एक में 1 किलो गर्म होता है। तो हुआ क्या, मैं ना दो जगह तो दूध रखा होता है, दूध गर्म होता है तो वो गैस पे होता है, जब ठंडा हो जाता है तब उसको फ्रिज में रखते हैं। तो दूध गर्म हो रहा था, एक बर्नर पे मैंने सब्जी लगाई थी बनाने के लिए, एक फ्री था, तो मैंने सोचा मैं बच्चों का खाना बना देती हूँ, रोटी बना देती हूँ, मैं वो बना रही थी। और ना जो मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने ना रोटियाँ ना जो बच्चों की 30-40 रोटी बनती हैं एक इवनिंग में,
तो मैंने ना जितनी भी रोटी बनाती थी, मैं भगोने के ऊपर जो दूध का भगोना था ना, मैंने बर्तन उसके ऊपर रखना स्टार्ट किया, वो डिसबैलेंस हो गया, पूरा का पूरा दूध स्लेब के ऊपर ऐसे गिर गया ना भाई, 1 किलो दूध पूरा का पूरा ऐसे स्लेब के ऊपर गिर गया, फ्लोर पे गिरने लग गया था। मम्मी आई, मम्मी ने जितनी भी मैंने रोटियाँ बनाई हुई थी वो सारी की सारी उसके ऊपर डाल दी दूध के ऊपर, ताकि वो दूध ऑब्जर्व हो जाए, दूध वेस्ट ना हो। वैसे वेस्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे घर में, तो हमारे घर में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, घर वाले नहीं खाते तो बाहर वाले खा लेते हैं, तो बट फिर भी दूध इतना सारा वेस्ट हो गया। और फिर रात को हमको बच्चों को दूध रोटी देनी पड़ी, ऑल द बच्चों को दूध रोटी नहीं देना चाहिए, डॉग्स को सूट नहीं करता, उनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, बट इनके डॉक्टर ने मुझे बताया था कि नहीं देना चाहिए, बट मैं तो दे देती हूँ सारी चीज़, तो डॉक्टर मना कर देता, कुछ भी नहीं खिलाएंगे हम बच्चों को अपने, मैं दे देती हूँ दूध रोटी, लेकिन मैं आफ्टरनून में देती हूँ, नाइट में नहीं देती हूँ, क्योंकि आफ्टरनून में ना वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो वॉक वगैरह करते हैं, प्ले वगैरह करते हैं, इस करके फिर खाना पीना बच्चों को दिया, अपना जल्दी से खाना पीना खाया। आज मैंने पालक की सब्जी और रोटी बनाई थी, क्योंकि मम्मी ना भागवत में जाती है, भागवत सुनने के लिए आजकल इवनिंग में, तो फिर खाना मैं ही बनाती हूँ। मैंने रेसिपी भी शूट करी है, मैं उसको ना शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, पालक आलू की सब्जी मैं कैसे बनाती होती हूँ बिना प्याज लहसुन की, तो मैं वहाँ शूट करके रखी हुई है, एडिट करके भी वहाँ पर शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और मैं ना खाना पीना खा के जल्दी से ऊपर आ गई थी, ताकि मुझे और डांट ना लगे, मतलब गिल्टी तो फील हो रहा था कि दूध गिरना नहीं चाहिए, नाली में नहीं जाना चाहिए, दूध गिरना अच्छी बात नहीं होती है, बट बाय मिस्टेक पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे समझ ही नहीं आया। तो यहाँ पे 10:30 बजे आई गेस मैं ऊपर आ गई थी अपनी वीडियो एडिट करने के लिए, और अभी एडिट करते करते मुझे 11:30 करीब हो गए थे, और फिर मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लिया जाए कुछ कुछ चीज़ें, कि आप लोगों को दिखा दे कि हम क्या क्या करते होते हैं वीडियोस के लिए। वीडियो एडिट करते हुए मैं मुझे 12:15 हो गए थे, अपलोड करा, फिर अपनी डायरी वगैरह लिखी, जो कल मुझे चीज़ें करनी होती ना इंपॉर्टेंट, मैं वो लिख लेती हूँ। तो मुझे 1 बज गया था ऊपर अपने रूम में, 1 बजे मैं नीचे गई थी। बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने के लिए, पता नहीं क्यों मेरे ना वीडियोज़ का ग्राफ बहुत डाउन जाता चला जा रहा है, मेरी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते हैं, मुझे समझ नहीं आता है सभी लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं, वो कौन से लोग होते हैं जिनकी वीडियोज़ वायरल होती है। मुझे ना जैसे सपना सा लगने लगे कि इतनी मेहनत के बाद में भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ना बुरा लगता है कि क्या ही करें हम इस चीज़ के लिए। तो फिर यही है कि कभी कभी सोच लेती हूँ कि किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है, किसी को सक्सेस लेट मिलती है, तो शायद मैं उन लोगों में हूँ जिनको सक्सेस लेट मिलनी है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ओके बाय।